नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट द्वारा छात्राओं को फीस वितरण कार्यक्रम हुआ आयोजित। मुरादाबाद में रविवार को कंपनी बाग स्थित पंचायत भवन में नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट द्वारा छात्राओं को फीस वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 17 विद्यालयों के 150 से अधिक छात्राओं को पूरे साल की फीस दी गई है। इस दौरान टीना शर्मा के द्वारा स्वागत गान से प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण द्वारा, विशिष्ट अतिथि कमिश्नर राजेंद्रिया कुमार, जिला पंचायत अध्यक्ष शेफाली सिंह, जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना, नगर विधायक रितेश गुप्ता, महानगर अध्यक्ष भाजपा धर्मेंद्र नाथ मिश्रा द्वारा सभी छात्राओं को फीस वितरण किया गया। सभी अतिथि जनों ने छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की व छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट के अध्यक्ष अल्पना गुप्ता व डॉक्टर नीतू रस्तोगी के द्वारा छात्राओं को किस वितरण कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि समाज के अन्य लोगों को निर्धन छात्राओं के लिए आगे आना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में ट्रस्ट के अध्यक्ष अल्पना गुप्ता व डॉक्टर नीतू रस्तोगी ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। फीस वितरण कार्यक्रम का सफल संचालन संजीव आकांक्षी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में ट्रस्टी सदस्य मोना गुप्ता, मदालसा शर्मा, बबीता अग्रवाल, वर्षा अग्रवाल, कविता छाबड़ा, शिवानी सिंह, अनुश्रुति अग्रवाल, शुभदा अग्रवाल, नित्या अग्रवाल, प्रिंसी अग्रवाल, चारू भल्ला, प्रेरणा अग्रवाल, मनवी मुनखियाल, हिमानी सिंह, निधि गोयल, डॉक्टर लता अग्रवाल, सीमा अग्रवाल, डॉक्टर स्वाति सिंघल, नीलम जैन, शीतल अग्रवाल आदि की उपस्थिति रही। ताकि अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें, चित्र बहुत सुंदर आएगा। छात्रा है कुमारी प्राची, कुमारी ईशा सागर कक्षा नेपाल कक्षा 5, और कुमारी जो पुलिस विभाग में ASP से लेकर ADG और उसके बाद में कानपुर महानगर के प्रथम पुलिस कमिश्नर के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद आज उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं परम आदरणीय असीम अरुण सर और मंचासीन नगर विधायक श्री रितेश गुप्ता जी, मंचासीन MLC साहब गोपाल अंजान जी, मंच पर उपस्थित नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट की संस्थापक मैडम अल्पना, उपस्थित अन्य सभी हमारे सम्मानित मंचासीन अतिथिगण और इस कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे हमारे सभी नगर की सभी सम्मानित महिलाएं, हमारे अन्य सम्मानित नागरिकगण जिन्होंने उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दी, जिनके नाम से अपराधी और आतंकवादी दोनों थर्राते थे, ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण मंत्री श्री आसिम अरुण जी वैसर ने हम लोगों के निवेदन को स्वीकार किया और आज इस कार्यक्रम में वो मौजूद हैं। इसके लिए मैं उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। असीम भैया के बारे में अभी आदरणीय हमारे SSP साहब हिमराज मीना जी ने बहुत विस्तार से बताया जी। आज आपका कार्यक्रम था, मंत्री जी आए थे, कैसा रहा कार्यक्रम, क्या करेंगे? ये नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट द्वारा ये फीस वितरण समारोह का कार्यक्रम किया गया जो कि बहुत ही सफल रहा। इसमें हमने 200 बच्चों को फीस दिए,
6 लाख की धनराशि हमने अपनी ट्रस्ट के जो हमारे मेंबर्स हैं और अन्य मेंबर्स के माध्यम से ये धनराशि जन सहयोग के द्वारा हमने जो निर्धन छात्राएं जो शिक्षा से वंचित रह जाती हैं और पढ़ने लिखने में होशियार हैं उनको ये राशि हमने उनके स्कूल के माध्यम से वितरित की है। हमने ये एक महीने से ये कार्यक्रम हमारा सुचारू रूप से इस तरह चल रहा था। हमने जगह जगह जाकर बच्चों को चिन्हित किया, स्कूल को चिन्हित किया कि जहाँ पर पढ़ाई की व्यवस्था है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास फीस नहीं है। हमने उन बच्चों को पूछा, उनको चिन्हित किया और उनको धनराशि प्राप्त की, उनके प्रिंसिपल से बताया और उन बच्चों के माता पिता को कॉल किया कि हमने आपके बच्चों को चिन्हित किया है और आपके बच्चे की धनराशि हम स्कूल में दे रहे हैं तो आपका बच्चा अब पढ़ सकता है इस स्कूल में। कितने स्कूल और कितने बच्चे रहे? करीब 20 स्कूल रहे, 200 बच्चे रहे, 6 लाख की धनराशि हमने वितरित की। मंत्री जी की तरफ से मुख्यमंत्री जी की एक योजना है अभ्युदय योजना जो अभी उन्होंने लॉन्च की है और स्कूल चलो अभियान, तो जो अभ्युदय योजना है तो हमारे असीम अरुण जी जो राज्य मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि आप एक भवन का यानी एक रूम का व्यवस्था कर लीजिए, 20 लाख रुपए की धनराशि हम देंगे जो बच्चे कोचिंग जाने से वंचित रह जाते हैं क्योंकि मुरादाबाद शहर में कोचिंग भी बहुत महंगी है। स्कूल के बच्चे जो धनराशि नहीं दे पाते हैं तो वो कोचिंग की फीस कैसे देंगे, तो उसके तहत उन्होंने कहा है कि आप बुक्स वगैरह का इंतज़ाम कीजिए और फर्नीचर का इंतज़ाम कीजिए, बाकी व्यवस्था मैं करूँगा, ऐसी उन्होंने घोषणा की है। एक घोषणा उन्होंने और की है कि जो बच्चे आप जो धनराशि दे रहे हैं फीस के माध्यम से उनको मैं आप उनको चिन्हित कीजिए, मैं उनको स्कॉलरशिप दिलाऊंगा। तो अब ये काम उन्होंने हमारे लिए छोड़ा है कि हमें और उन्होंने काम जिम्मेदारियां सौंपी हैं उसमें हम अपनी संस्था के साथ अपनी नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट के मेंबर्स के साथ सफलतापूर्वक उस कर्तव्य को निभाएंगे। और मंत्री जी का जो सपना है, हमारे मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो शिक्षा के क्षेत्र में सपना है उसे हम पूरा करेंगे। आ गया, शुरू करें। ठीक, अभिनव शाह जी, मुरादाबाद में नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट द्वारा एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जो काम ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, अल्पना जी द्वारा, देश भाई साहब द्वारा और उनकी पूरी टीम द्वारा, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसमें जो बच्चियों को स्कॉलरशिप दी जा रही है उसको ऑब्जर्व करने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया और इस कार्यक्रम से पूरे ट्रस्ट का संकल्प बढ़ा है। मेरा विभाग समाज कल्याण विभाग है और मैंने भी अपना एक छोटा सा योगदान करने का निर्णय इसमें किया है। और जो बच्चियाँ हमारी पढ़ाई कर रही हैं विभिन्न प्रकार की कोचिंग 12वीं के बाद IIT मेडिकल आदि, उनके लिए एक अध्ययन केंद्र समाज कल्याण द्वारा और नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जाएगा, चलाया जाएगा। प्रारंभिक रूप से इसमें फर्नीचर, कंप्यूटर, किताबों आदि के लिए 20 लाख रुपए का अनुदान तुरंत दे रहे हैं और आगे और देंगे, जिससे कि जो नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट द्वारा आगे बढ़ाने के लिए बच्चियों को शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जा रहा है उसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक, जी जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी ने एक परिकल्पना की, जिस समय कोविड अपने पीक पे था तो सारी कोचिंग बंद हो गई और कुछ ऑनलाइन कोचिंग थी जो बहुत महंगी थी, तो मुख्यमंत्री जी ने फिर एक योजना बनाई और उसके तहत सरकार में मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग शुरू की गई। ये पहले ऑनलाइन थी, अब ये ऑनलाइन और क्लासरूम दोनों में चलती हैं, हाइब्रिड व्यवस्था में है और इसका बहुत ही अच्छा परिणाम इस बार रहा है। जो PCS का रिजल्ट परसों आया उसमें कुल 42 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए जिनमें से 13 बेटियां हमारी हैं। इसको और आगे बढ़ाया जा रहा है, अभी जनपद स्तर तक हम पहुंचा चुके हैं, आगे ऐसे संपर्क केंद्र हम हर तहसील तक पहुंचाएंगे। नगर निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां पूरी मजबूती से हैं और हमारी तैयारी केवल एक ही सिद्धांत पे है, जो विकास कार्य हमारी सरकारों ने किए, नगर निगम नगर निकाय में हमने किए, उसको लेकर के हम सम्मानित नागरिकों के सामने, सम्मानित वोटरों के सामने जाते हैं और हमें पूरा विश्वास है, जैसे पिछले दो विधानसभा चुनाव और नगर निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में भारी बहुमत, भारी समर्थन भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रत्याशियों को मिला, इस बार भी मिलेगा और आने वाले समय में नगरों के लिए और व्यापक कार्य हो रहे हैं। जो अभी तक योजना थी
कार हुए उसको और ऊंचाई तक लेके हम लोग जाएंगे। जी भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, केवल अपने कार्यों की वजह से और सबको साथ लेकर चलने की नीति की वजह से। सबका साथ हमारा नारा भी है और हमारी हर नीति का हिस्सा भी है, और आज का ये कार्यक्रम समाज कल्याण विभाग के जो कार्यक्रम है ये भी इसी नीति का हिस्सा है कि किस तरह हम लोग अंतिम पायदान पर खड़े हुए बहन भाई को आगे लेकर के आए। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। अलग से ले लेंगे।